राजपुर रोड देहरादून एक बहुत ही बड़ी सड़क जो घंटाघर से शुरू होती है देहरादून में और आगे तक जाती है राजपुर मसूरी बाईपास तक और उससे आगे राजपुर तक। बहुत ही खास जगह है क्योंकि यहाँ पर हिस्टोरिकली सबसे बड़े मकान, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सब राजपुर रोड पर ही बने हैं। बहुत बड़ी सड़क है तो आना जाना आसान हो जाता है, लेकिन आजकल ये धूम इसलिए मचा रही है क्योंकि यहाँ पे है कैफे डीप पिकोलो, एक छोटी सी जगह जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। बहुत क्वेंट है, बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा खाना है और मैं बात करके आपका टाइम नहीं वेस्ट करता। आइए अपने आप देखिए अंदर। हेलो हेलो हेलो, गौरव एंड आरती के ड्रीम प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। गौरव थोड़ा सा काम करते हैं, वो शेफ है जो ये सारी चीजें बताते हैं एंड आरती जो है बाकी सारा काम करती हैं। दे वेरी शाय, लेकिन देखो दोनों पीछे खड़े हैं, हेलो बोल रहे हैं आरती एंड गौरव। एंड अब आप जो बाकी हीरो हैं उनको हेलो बोलिए। वेजिटेरियन साइड ऑफ द टेबल पे पेरी पेरी पिज्जा, बहुत थिन इसका क्रस्ट, आग्लियो ओलियो पार्मेजान चीज के साथ और ऑलिव्स के साथ, बहुत सुंदर वेज लज़ानिया और मेरा फेवरेट यहाँ पे जो होममेड रावियोली है विद मशरूम्स और बहुत सारे हर्ब्स एंड अ नाइस बाइट ऑफ पेपर। ये सारी दुनिया ट्रैवल कर चुके हैं दोनों, इनको जहाँ पे भी इन्फ्लुएंस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कोई डिश अच्छी लगती है तो वहाँ से पिकअप करके यहाँ पे उसे रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक स्पेनिश पाया बिल्कुल टिपिकल, लेकिन इसमें चिकन है क्योंकि सी फूड सप्लाई देहरादून में आप इमेजिन कर सकते हैं थोड़ी कम है। ये जो है बहुत ही खास डिश है, अराबियाटा सॉस है इसके ऊपर, चिकन ब्रेस्ट है और ये जो ग्रिल्ड वेजिटेबल्स हैं साथ में, दीज आर एब्सोल्युटली फैबुलस। इनफैक्ट इतने अच्छे ग्रिल्ड वेजिटेबल्स बहुत कम खाए हैं मैंने और मैं काफ़ी ग्रिल्ड वेजिटेबल खाता हूँ, मेरी शक्ल पे मत जाइएगा। फ्राइज है साथ में, केजन हनी चिकन है यहाँ पर, ब्यूटीफुली मैरिनेटेड बिल्कुल पतले स्ट्रिप्स चिकन के इसके अंदर और अनियन रिंग्स के साथ, तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बर्गर, ग्रेट फ्राइज अलॉन्ग विद इट। और ये स्पेगेटी बोलोनेज़ इज वेरी टिपिकल रेड वाइन सॉस के साथ बनाया गया, तो फ्लेवर्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत कंटेम्प्रेरी हैं, बहुत ईजी टू ईट है और बहुत डिलीशियस है। तो इन्होंने तो बहुत सेंसिबल चीज की, 10 साल इन्होंने कॉल सेंटर्स में काम करके वापस आके है, इनिशियली ये मसूरी के चले गए थे, वापस आके अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया और अभी भी जब भी छुट्टी में जाते हैं वहाँ से कोई एक नई डिश सीख के ले आते हैं। आप जब छुट्टी में जाते हो आप क्या करते हो, जरा बताओ आप क्या करते हो? मैं डिश खाता हूँ उससे अच्छा क्या कर सकते हैं आप छुट्टी में? लाइफ होती है पार्टनरशिप के बारे में, लोग होते हैं जिनको खाने का शौक है और लोग होते हैं जिनको बनाने का शौक है। तो अगर आपको खाने का शौक है और आप देहरादून में हैं तो आप कैफे पिकोलो जरूर आइए। फ्लेवर्स एकदम इमैक्युलेट, बहुत ही प्यार से बनाया गया खाना और बहुत ही प्यार से बनाई गई छोटी सी एक जगह, तो एक बहुत सुंदर एम्बियंस है और आप जब आएंगे तो जरूर इंजॉय करेंगे, हमें थैंक यू जरूर बोलिएगा। सॉरी ये कुछ आप चोरी करके लेके आए? नहीं नहीं चोरी नहीं, मैं डिजर्ट लाना भूल गया था। लुक एट दैट ब्यूटीफुल कैरमेल, आहा हा हा, जाते जाते थोड़ा मुंह मीठा करके लेके आए।